हिसाब से बहुजन समाज का आपने बताया है कि बातों ही बातों में छोटी सी एक बात बोल दी थी कि आपने बहुजन समाज का जनाधार थोड़ा सा गिरता जा रहा है, जो वोट बैंक है जो पूरे देश के अंदर है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो कहीं गिर रहा है। और दिल्ली की, मैं आप दिल्ली से हैं तो मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली के अंदर भी जो बहुजन समाज का वोट बैंक है पहले काफी अच्छा था, अब काफी गिर गया है। तो इसका जो तरीका है वो गिरता क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज बढ़ गई है तो फिर गिर कैसे रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में भी गिरा है और दूसरे स्टेट में भी, मध्य प्रदेश का और मतलब छत्तीसगढ़ और ये इसका जो रिजल्ट आया है उसमें भी गिरा है, ये तो हमारा जो आंकड़ा है वो बोलता है। लेकिन उसका कारण क्या है कि अभी मैंने पीछे कहा कि और भी इसमें जो पार्टियां हैं वो बनी हुई हैं और काफ़ी लोगों को इस पार्टी से निकाला जा चुका है जी। जो निकाले जा चुके हैं वो मतलब उसमें कैडर के लोग भी हैं जी और मार्केट के लोग भी, दोनों तरह के लोग हैं जी। तो मार्केट के लोगों को अगर आप निकाल देते हैं तो उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अगर जो कैडर के लोग हैं जी, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मतलब पार्टी को चलाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है और इच्छा के विपरीत भी अगर उनको निकाल दिया जाता है, उनकी पूछताछ नहीं होती है, तो वो जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है खासतौर से वो चुप नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता है जी। तो वो जो अगर पॉजिटिव नहीं करेगा तो नेगेटिव शुरू कर देगा जी। और नेगेटिव होने से अगर धीरे धीरे करके आप बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे, जैसे जाति निकाला दे देते हैं ना, आउटकास्ट कर देते हैं जी। तो मुझे पता है कि उनको जो बंगाल में जो चांडाल वर्ग है जिसको चांडाल जाति बोलते हैं, वो आउटकास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि जो क्या नाम है, जो ऊपर के वर्ण में वर्ण की लड़की से नीचे के वर्ण वाले शादी कर देते थे, तो उनसे जो बच्चा होता था उसको चांडाल बोलते थे जी। तो चांडाल को आउटकास्ट कर देते थे, तो आउटकास्ट करते करते वो चांडाल इतनी बड़ी बिरादरी बन गई कि आज मतलब वहां पे उसका बहुमत है जी। आज उसके 8 एमपी बन के आते हैं उधर से चांडालों के बंगाल से जी। तो इतनी बड़ी बन गई कम्युनिटी। इसी तरह से पॉलिटिकल जो ये कास्ट है, हम पॉलिटिकल मतलब एक हमारा फ्रंट है बहुजन समाज पार्टी, उससे अगर मतलब हम आउटकास्ट करते रहेंगे, लोगों को निकालते रहेंगे तो एक सीमा है, सीमा से ज्यादा अगर मतलब लोग निकलते हैं तो फिर मतलब एक जैसे ग्राफ बढ़ता है ना ऐसे, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जाता है जी, जी। कि जब डिमिनिशिंग रिटर्न होने में मतलब कंट्रीब्यूशन किसका है, दो लोगों का कंट्रीब्यूशन, एक तो वो जो निकाल दिए हैं जी, वो तो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो एंटी काम भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं, दूसरा वो लोग जो उसमें रखे हुए हैं, जो रखे हुए लोग हैं वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे, खासतौर से जैसे प्रभारी हैं, प्रभारियों के ऊपर कोई निगरानी समिति नहीं है जी। हमने पहले भी मैं बोल चुका हूँ इस बात पर कि उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए जी। दूसरा कोई सलाहकार ऐसी कोई समिति नहीं है, क्योंकि अकेला लीडर चाहे कितना भी दिमाग हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लीडर मतलब इतना बड़ा कारोबार नहीं चला सकता। अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के पास भी समिति बनी हुई है जी। उसके पास आज झूठे के ही सही, लेकिन उनके पास समिति बनी हुई है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग काम, डिपार्टमेंट बने हैं, शेड्यूल कास्ट का अलग बना हुआ है, ओबीसी का अलग बना हुआ है और इनका माइनॉरिटी का अलग बना हुआ है जी। हमारे पास कोई विभाग ही नहीं है जी। तो थोड़ा काम अगर बांट दिया जाए, और लोग तो बहुत है काम करने वाले जी। तो वो उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मैं समझता हूँ यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए मैं वीक मैनेजमेंट भी मतलब कह सकता हूँ। और प्रभारियों का जो क्या नाम है, अक्षम लोग हैं, उनको ऐसा काम दिया जाता है जो उसके लायक नहीं है जी। तो अगर जो लायक नहीं है उसको मतलब वो काम दिया जाएगा तो उससे रिजल्ट मतलब उतना अच्छा नहीं आ सकता है, तो ये भी एक उसका कारण है। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट की खामी मतलब कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट की खामी है और सलाहकार मतलब अच्छे नहीं है, इसकी वजह से मतलब ये थोड़ा सा हुआ है। जबकि देखिए आप जैसे मध्य प्रदेश देखेंगे, अपर कास्ट में तो बढ़ गया उधर गिरा और दलितों में वहां पे घट गया। तो जहाँ दलितों में अगर बढ़ जाता, और 2 तारीख का इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ था, वो जो बंद हुआ था 2 अप्रैल का, उस बंद का अगर वो रिजल्ट उनके मिल जाता मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश अकेले में मैं कह रहा हूँ 11 सीटें मतलब जीत रही है उनकी, और उसका ना मिलने से, विदक जाने से उसके लिए, और वो 2 सीट पर सिमट गए सॉरी। तो ये जो उसका जो कारण है उसको तो खुद बहन जी को इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए जी। और समीक्षा करने के बाद में उनको अपना खुद ही निर्णय लेना चाहिए जी। और उनको मैनेजमेंट को दुरुस्त करना चाहिए, और मतलब इसमें जो सलाहकार वगैरह ये जिस तरह से दूसरी पार्टियों से हमें थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। और दूसरा ये है
कि हमें समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है ना, सामाजिक परिवर्तन होता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मतलब अनित्य, समय जो अनित्य है, आज है वो कल नहीं है, कल है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी डायनेमिक्स में भी कहा है कि जो मैंने पीछे छोड़ दिया है वैसा आज नहीं होगा, आगे आने वाला समय अलग तरह का होगा, तो उसके हिसाब से हमें मोल्ड करना है अपने को। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, समाज परिवर्तित हो रहा है, उसी हिसाब से हमें अपने को भी मोल्ड करके उसके हिसाब से चलेंगे तो और ज्यादा मतलब कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं, बहुजन समाज से ज्यादा, बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा संभावनाएं किसी पार्टी की नहीं है। क्योंकि बाबा माननीय काशीराम ने कहा था कि 1999 में भी हमारा मतलब प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए जी। लेकिन आज जो है कितना साल हो गया और आज प्रधानमंत्री बनाने की बात अच्छी तरह से चल रही है जी। तो अगर ये फ्लॉप हो गई और इसमें समाज ने अगर इनको सहयोग सही तरीके से नहीं दिया तो इसमें निराशा भी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए जितनी बड़ा हमारा उत्साह बढ़ रहा है उससे बड़ी हमारी निराशा भी बढ़ सकती है जी। इसलिए हमें तो हम तो कर ही रहे, जनता जितना जोर लगा रही है उनको प्रधानमंत्री बनाने का, उससे ज्यादा जोर उनको मैनेजमेंट पे भी लगाना पड़ेगा कि जब बना रही है जनता तो हम बनने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है। आप थे हमारे साथ केसी पिप्पल साहब, जो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो टीम लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर भी बहुजन समाज का ही नहीं पूरी पार्टियां जैसे नेतृत्व करती हैं उस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए, तभी बहुजन समाज का रिजल्ट बहुत अच्छे से आ पाएगा। उन्होंने सीधे सीधे इशारा करते हुए कहा कि प्रभारियों को देश के पूरे प्रभारियों के ऊपर एक नज़र टीम गठित होनी चाहिए, उनका ऊपर एनालिसिस होना चाहिए किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। आरक्षण पे विशेष रिपोर्ट की हमारी आज की, और पिप्पल साहब आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के विषयों के लिए अगर आप जनता की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमारे स्टूडियो को बिल्कुल टाइम देंगे। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें बुलाया जी। और जो जनता के सवाल थे जी, उनसे जुड़ने का मौका दिया, और मैं SM न्यूज चैनल की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।